प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अपनी बात को रखने के बाद विजय सिन्हा ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। विजय सिन्हा ने कहा कि उन्हें बहुमत से सदन का अध्यक्ष चुना गया था। वर्तमान राजनीतिक हालात में बहुमत मेरे पक्ष में नहीं है, इसलिए पद का त्याग करता हूँ। उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा पहले ही दे देते, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें उसका उत्तर देने का अवसर मिलना चाहिए, इसलिए अपनी बात करने का काम कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सदन की गरिमा को आगे बढ़ाने का काम किया है, बिना किसी द्वेष और लोभ लालच के काम किया है। पद से इस्तीफा देने के बाद विजय सिन्हा मंच से उठ गए। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि मेरे खिलाफ कुछ विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, इसलिए बहुमत के आधार पर मेरा पद पर बने रहना उचित नहीं। अध्यक्ष पद पर रहते हुए मैंने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत सभी सभासदों का उन्होंने आभार व्यक्त किया। परंपरा है, नियम है, रहेगा। सदन की कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं और 2 बजे दिन में सदन पुनः प्रारंभ होगा और सदन स्थगित की जाती है। इससे पहले सिन्हा ने कहा कि अपने छोटे से कार्यकाल में हमने कई उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री का पहली बार में विधानसभा में आना और सदन को संबोधित करना काफी प्रेरणादायक रहा है। मुख्यमंत्री और वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री का सदन में पूरा सहयोग मिला, जो किसी से छुपा नहीं। आम लोगों ने विधानसभा में वेबकास्टिंग के माध्यम से सदन की सभी गतिविधियों को देखा है। सिन्हा ने आखिर में जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव को आसन संभालने की जिम्मेदारी दी, क्योंकि वो सबसे सीनियर सदस्य हैं, इसलिए अधियाशी सदस्य के रूप में उन्हें नामित किया है और सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विजय सिन्हा के इस निर्णय पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने अनुचित कहा है। कहा, चूंकि सदन के उपाध्यक्ष के रूप में महेश्वर हजारी हैं, इसलिए उनका यह निर्णय अनुचित है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।